हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सारे बढ़िया हो? मस्त हो? मज़े में हो? बीच में मैं ऑफलाइन चला गया था काफ़ी एक लंबे समय के लिए, बट वापसी में ऑनलाइन आ गया हूँ। और लास्ट टाइम हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी थी, बट अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब हम बिल्कुल अपनी एक नई सीरीज़, बिल्कुल नया कोर्स, बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, आप चाहे बीकॉम से हो, चाहे बीए से हो, चाहे बीएससी से हो, चाहे आपके पास जीई हो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ आप सभी के लिए एकदम बिल्कुल अच्छे से बेनिफिशियल होने वाली है। बस आपको करना क्या है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ, बस मुझे फॉलो करो। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल अपने पहले की तरह मज़े से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। बस वही वाली बात, मेरे को फॉलो करते रहो। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं आपकी डिटेल सेव कर सकूं, और आपको फ्यूचर में कैसी भी कोई भी इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। कोई टॉपिक मैं करवाता हूँ और वो टॉपिक अगर आप के पास से स्किप होता है कि टॉपिक आपने पढ़ना है लेकिन नहीं करवाया मैंने, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक को भी करवाऊंगा। बस अच्छे से पढ़िए और मुझसे कनेक्टेड रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज को, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी, अब भैया ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है पहले आप हमको ये समझो। तो बच्चों मेरी बात सुनो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो आपने माइक्रो इको पढ़ा, इकोनॉमिक्स दो होती है, एक होती है माइक्रो इको, एक होती है मैक्रो इको। आपने बच्चों माइक्रो इको पढ़ा, माइक्रो इको में क्या होता है, जब हम एक इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, जब हम छोटे लेवल की बात करते हैं, जब हम एक इंसान की बात करते हैं, एक परिवार की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंसान के लेवल पे, एक फैमिली के लेवल पे। लेकिन 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 क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम केवल एक इंसान फेस करता है, एक फैमिली फेस करती है? नहीं जी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो पूरा देश भी फेस करता है। तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें और ऐसी बातें करें जो पूरे देश के लेवल की हो, तो उस केस में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे सामने आती है, उस केस में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे सामने नहीं आती। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जहां पे अपन लोग जो बात करेंगे भैया, वो बात करेंगे देश के लेवल की, भैया वो बात अपन लोग करने वाले हैं पूरे के पूरे कंट्री के लेवल की। जैसे कि मैं अगर एक इंसान की इनकम की बात करूं कि उसकी इनकम ऐसी ऐसी है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बिकॉज वहां पर एक इंसान की इनकम की बात हो रही है। लेकिन जब मैं बात करूं देश की इनकम की, ओए, जब मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, क्योंकि भाई साहब अब एक इंसान की इनकम की बात नहीं हो रही, अब तो पूरे देश की बात हो रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी इकोनॉमी को लेके, जो पूरी कंट्री को लेके, जो पूरे देश को लेके चलता है, जो पूरे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैं बताऊँ मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ टॉपिक, ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं देश के जीडीपी की बात करूँ, अब जीडीपी देश का निकलता है, जब मैं नेशनल इनकम की बात करूँ तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जब मैं बैंकों के बारे में बात करूँ, जब मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जब मैं बात करूँ मनी की, पैसे की, जो देश में नोट छपते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हर साल हमारे देश में फरवरी के महीने में भारत सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है, वो बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हम दूसरे देश से लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उस केस में हमको फॉरेन एक्सचेंज रेट समझना पड़ता है, उस केस में हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना पड़ता है, जब हम दूसरे देश के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ये सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अरे भैया, मैं इतना सा कह रहा हूँ कि जब हम पूरे देश की बात करें, जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करें, इट मींस भाई साहब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा थ्योरेटिकल वे में जाऊं, यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से, मैक्रो जो है, मैक्रो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको बोलते हैं मैक्रोज। तो मैक्रोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या है? इकोनॉमी एट लार्ज, लार्ज मतलब पूरे देश की। जब पूरे देश की बात करें, जब एक लार्ज लेवल पे बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो माइक्रो काम नहीं आएगी। अरे माइक्रो तो छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे मतलब, अरे माइक्रो तो इंडिविजुअल लेवल के लिए है। ओ भाई साहब, पूरे देश की बात कर रहे हैं। और जब बात पूरे देश की होगी ना, जब बात पूरे देश की होगी, जब बात देश पे आएगी ना, दिल पे नहीं, देश पे, जब बात देश पे आएगी ना, तो भाई साहब मैक्रो इकोनॉमिक सामने आएगा, माइक्रो नहीं आएगा। समझ में आ गया? आगे बोलता है, अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी पॉपुलर हुआ। कब? जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति, इन व्यक्ति ने किताब लिखी थी। इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है जे एम कीन्स। फुल फॉर्म बोलो भैया, फुल फॉर्म बोलो, जॉन माइनर्ड कीन्स। तो व्यक्ति है, इनका नाम है जॉन माइनर्ड कीन्स। इन भाई साहब ने अपनी किताब लिख दी, इकोनॉमिस्ट थे पुराने टाइम पे, किताबें लिख दी। इन भाई साहब ने अपनी एक किताब लिखी 1936 में, जिस किताब का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और इस किताब में भाई साहब ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बड़ी बड़ी बातें करी, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां से फेमस हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां से पॉपुलर हो गई। और इतनी पॉपुलर हुई कि इन भाई साहब को बना दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर। अरे ये कोई और नहीं है, ही इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पापा है, यस। और इनका नाम क्या है? जे एम कीन्स, जॉन माइनर्ड कीन्स, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन्हीं के बदौलत आप अपने इस कोर्स में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा इत्तू सा मतलब यह है कि जब हम बात करें पूरे देश के लेवल की, जब हम बात करें पूरे इकोनॉमी की, कि भाई साहब छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके नहीं चलना, एक परिवार की प्रॉब्लम लेके नहीं चलना, एक इंसान की प्रॉब्लम लेके नहीं चलना, अब तो हम पूरे देश संभालेंगे। भाई साहब हमने अपने पिछले कोर्स में माइक्रो पढ़ लिया, एक इंसान संभाल लिया, एक इंसान की डिमांड, इंसान इतनी डिमांड कर रहा है, इतनी सप्लाई कर रहा है, उसका बजट लाइन ये है, यहाँ छोटी मोटी बातें नहीं होगी। यहाँ पे डिमांड एक इंसान की नहीं होगी, पूरे देश की डिमांड, बोले तो एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की सप्लाई, बोले तो एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एक कंज्यूमर के बजट की बात नहीं होगी, यहाँ पे पूरे देश के बजट की बात होगी, बोले तो गवर्नमेंट बजट। बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है, बस थोड़ा दिल किससे, थोड़ा दिल से पढ़ो, मजा आ जाएगा कसम से। समझ में आ गया आपको? उतना आगे बढ़े, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर मतलब को जानना है तो ये लिखा है किताबी मीनिंग, किताबी मीनिंग पढ़ लेते हैं। जो नॉर्मल मीनिंग है वो तो मैंने पढ़ा दिया। नॉर्मल मीनिंग क्या है कि भाई साहब पूरे देश के लेवल की बात करो, पूरे देश के लेवल की बात करो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरे देश की लेके चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स। नेशनल इकोनॉमिक्स मतलब जब पूरे देश के स्ट्रक्चर, जब पूरे नेशनल इकोनॉमिक्स माने क्या, जब पूरे देश के स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सामने आएगा, ठीक है। जब हम पूरे देश की पॉलिसीज की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सामने आएगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज की हेल्प से ट्राई करेगी टू अफेक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कि वो जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, सुनो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक टूल है, और ये टूल सिखाता है कि देश की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो गवर्नमेंट यूज करेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ताकि अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके, ताकि देश जिस समस्या में है गवर्नमेंट उस समस्या से देश को बाहर निकाल सके। अगर आपको भी देश चलाना है तो माइक्रो मत पढ़ो, मैक्रो पढ़ो। मतलब माइक्रो तो पढ़नी पढ़नी है, लेकिन देश चलाना है तो मैक्रो पढ़ो। घर चलाना है तो माइक्रो पढ़ लो, देश चलाना है तो मैक्रो पढ़ लो। घर वाली बात तो माइक्रो, देश की बात तो मैक्रो। समझ में आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो ना, हाँ थोड़ा समझने में टाइम जाएगा। अरे बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, सच्ची कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा। अरे कसम से मजा आ जाएगा, बस ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलो ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो इतना समझ में आता है। आगे बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अरे एग्रीगेट मतलब वही पूरे पूरे ग्रुप की, पूरे पूरे देश की, पूरे पूरे इकोनॉमी की बात करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट की बात करता है, पूरे देश की बात करता है। लेकिन
अच्छा एग्रीगेट का मतलब होता है वैसे ग्रुप, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे ग्रुप की बात करता है, एक इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं करता, ये पूरे ग्रुप की बात करता है, लिखा भी उसके आगे, बट ओनली एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब कि ऐसा ग्रुप जो पूरे देश की बात, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे डिमांड की बात नहीं होगी, डिमांड का मतलब एक इंसान की डिमांड की बात नहीं होगी, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात होगी। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरे देश में जितने भी लोग हैं, भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो 140 करोड़ लोगों ने जितनी डिमांड करी उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे एग्रीगेट की बात होती है, यहाँ पे पूरे पूरे देश की बात होती है, इंडिविजुअल की बात नहीं होती, ठीक है। तो लिखा है व्हेन वी टॉक ऑफ डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करते हैं ना, तो वी टॉक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर है, इकोनॉमी के अंदर बच्चों चार सेक्टर्स होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा, तो एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर है उन सब ने मिलके जो डिमांड करी गुड्स एंड सर्विस की, उसको बोलूंगा एग्रीगेट डिमांड। तो बार 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 एक ही बात तो कह रहा हूं, अरे एक इंसान की बात नहीं करनी, सब की बात करनी है, पूरे देश की बात करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है द इश्यूज दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स एड्रेस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब हम एक बार देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी समस्याएं देखनी पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उनका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन टाइप में मैंने बना रखा है कि व्हाट डिटरमाइन अ नेशन लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भाई एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, एक देश की ग्रोथ की बात चल रही है, तो एक देश की ग्रोथ एक इंसान की ग्रोथ नहीं, एक देश की ग्रोथ की बात हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सामने आएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस ग्रोथ को समझने के लिए एक टॉपिक है जीडीपी और नेशनल इनकम, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट कॉजेज अ नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू फ्लक्चुएट। देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, देश में जो ट्रांजैक्शन की एक्टिविटीज होती है, देश में प्रोडक्शन कंजम्पशन जो एक्टिविटीज होती है, इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। कई प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, प्रोडक्शन बहुत घट गया, प्राइस बहुत बढ़ गए, प्राइस बहुत घट गए, समझ में आ रहा है। तो अब इन चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इस चीज़ के लिए एक टॉपिक हम पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल, समय में आ गया। ऐसे ही व्हाट कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो उसके लिए हम अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। भैया प्राइस क्यों बढ़ते हैं, इसके लिए इन्फ्लेशन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जीडीपी, नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये जो सारे टॉपिक है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बच्चे है, इन बच्चों के बारे में पढ़ना है, इन बच्चों के बारे में जान जाओ, पप्पा के बारे में पूरा जान जाओगे। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक, और भी टॉपिक है भाई, ऐसे ऐसे टॉपिक अपने को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने हैं, समझ में आ गया। तो देखो ये अभी एक्चुअली क्या है, अभी ना मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा बोरिंग सा, नहीं, जैसे ही हमारे मेन चैप्टर स्टार्ट हो गए, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है वो जान रहे हैं। जैसे ही अपने भाई साहब ये नेशनल इनकम स्टार्ट होगा, ओए होए क्या चैप्टर है, जैसे अपने मेन चैप्टर स्टार्ट हो गए, आपको वहां से मजा, क्या बोला मैंने, वहां से मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बताओ पहले आपको इतना क्लियर है क्या, इतना एकदम क्लियर है, ओके। अब एक काम करते हैं, अब हम ये जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अब इनको थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में जानना है ना, और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ना एग्जाम में ना ये जो बी ए बी कॉम बी एस सी वाले जो बच्चे हैं ना बेटा, एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली यही आता है पेपर में 15 नंबर के लिए, कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। भैया पढ़ा दिया, लिखा हुआ है पीछे, छाप के आ जाएंगे। और उसके आगे क्वेश्चन आता है व्हाट आर इट्स मेजर इश्यूज, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर इश्यूज कौन कौन से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर इश्यूज। मेजर इशू का मतलब है कि हमें कौन कौन से टॉपिक को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है, या कौन कौन सी प्रॉब्लम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन लोग फेस करते हैं, ठीक है।
जिसमें कि सबसे पहला पढ़ेंगे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे बोलो ना, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसको मैं पहले साइड में एक्सप्लेन करता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पे, फिर रीडिंग कर लेंगे। देखो भाई साहब, सबसे पहला आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहला बच्चा लोग आपको जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को एक देश के जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए। अब ये जीडीपी क्या होता है? फुल फॉर्म सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं सिंपल सिंपल बोलूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एक देश में जीडीपी, सुन लो जिनको नहीं पता, मैं ऐसा मान रहा हूं कि तुम्हें इको में कुछ नहीं आता, मैं सब बताऊंगा, तुम्हें इको में कुछ नहीं आता, मैं ऐसा मान रहा हूं, तो जीडीपी का मतलब बोल दो भैया, भैया आप ही बोल दो, हम बोल रहे हैं ना। जीडीपी का मतलब है एक देश में, क्या बोला मैंने, एक देश में एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, एक देश में एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ उनकी मनी वैल्यू कितनी है, उनकी मनी में वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का एक साल में गुड्स एंड सर्विस का पूरे देश में प्रोडक्शन हुआ, उसको बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है भाई सब, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना तो जीडीपी का तो मतलब पता होना चाहिए। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि देश का जीडीपी 5% है, 6% है, पहले इसका ही मतलब जान लो कि अगर मैंने बोला इंडिया का जीडीपी, मान लो कि 2022 में मैंने बोला, एज्यूम कर लो कि इंडिया का जीडीपी मान लो 5% है, अब आधे बच्चों को तो इसका मतलब नहीं पता कि 5% का मतलब क्या है। अरे मेरे बच्चे, 5% का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है, देखो इसका मतलब क्या है, 2022 से पहले क्या आता है जी, 2021। इसका बच्चों मतलब यह है कि 2021 में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, 2021 में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ और 2022 में अगर मैंने बोला जीडीपी 5% है, इसका मतलब 2021 में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ इस साल 5% ज्यादा हुआ। जीडीपी का मतलब है पिछले साल से इस साल कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, 2021 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ इस साल प्रोडक्शन 5% ज्यादा हुआ, इसका मतलब 2022 का जीडीपी 5%। कोई देश बोलता है मेरा जीडीपी 6% है, तो 6% का मतलब क्या है कि उसके पिछली साल जितना भी प्रोडक्शन हुआ इस साल 6% ज्यादा हुआ। मेरे देश का जीडीपी 10% है, अरे 10% का मतलब क्या है, ओ भैया जितना प्रोडक्शन पहले हुआ ना इस साल 10% ज्यादा हुआ। मान लो कोई देश बोलता है मेरा जीडीपी इस साल का -8% है, तो -8% का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन पिछली साल जितना हुआ इस साल 8% कम हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जीडीपी का मतलब ये होता है पिछली साल से इस साल कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ या कितना कम प्रोडक्शन हुआ। अब जीडीपी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देश की ग्रोथ के लिए जीडीपी का होना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, देश की ग्रोथ होती है देश के लोगों से, हम लोग हैं, हम देश में रहते हैं, जब तक हम लोगों की ग्रोथ नहीं होगी देश की ग्रोथ कैसे होगी। तो देश की ग्रोथ होती है देश के लोगों से, तो देश के लोगों को साथ लेकर चलना है। अगर एक देश को ग्रोथ करनी है तो देश के लोगों को साथ लेकर चलो। अभी जीडीपी किस प्रकार देश की ग्रोथ से संबंधित है, आओ समझते हैं। देखो बेटा, अगर जीडीपी मान लो बढ़ा कि जीडीपी 5% है, तो अगर जीडीपी बेटा मान लो बढ़ा तो जीडीपी क्यों बढ़ा, क्योंकि गुड्स में जरूर प्रोडक्शन बढ़ा होगा, है ना। अगर जीडीपी बढ़ा है तो इट मींस क्या, गुड देश में प्रोडक्शन बढ़ा होगा, बिकॉज जीडीपी का मतलब ही क्या है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। तो बताओ अगर जीडीपी बढ़ा तो जीडीपी इसलिए बढ़ा, अगर जीडीपी बढ़ा तो जीडीपी इसीलिए बढ़ा बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ा। अब जरा मेरी बात समझो, अगर बच्चों प्रोडक्शन बढ़ा है तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए देश में एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ा होगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए देश में रोजगार बढ़ा होगा, अगर देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा होगा तो इससे लोगों की इनकम भी तो बढ़ेगी, जितना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। अच्छा, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो इससे गरीबी कम होगी, बिकॉज जब लोग ज़्यादा कमाएंगे तो उससे उनकी पॉवर्टी कम होगी, जब लोग ज़्यादा कमाएंगे तो इससे उनका स्टैंडर्ड
ऑफ लिविंग, उनका जीने का सलीका बढ़ेगा, इससे उनकी पीसीआई पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो अब उनके बच्चों की अच्छी हेल्थ होगी, वो अच्छे अस्पताल में इलाज करवा पाएंगे, अच्छा खाना खा पाएंगे। अगर इनकम बढ़ेगी तो अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे, इससे क्या होगा, इससे एजुकेशन का लेवल भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली आप देख रहे हो एक जीडीपी बढ़ा। जीडीपी क्यों बढ़ा भाई? प्रोडक्शन बढ़ा। अच्छा प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? रोजगार बढ़ा होगा ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा होगा। अरे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तभी तो प्रोडक्शन होगा, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी गरीबी कम हुई, गरीबी कम हुई उनके अच्छी हेल्थ हुई, अच्छी एजुकेशन हुई, स्टैंडर्ड ऑफ अल्टीमेटली देख रहे हो देश के लोगों का भाई भला हो रहा है। तो जीडीपी बढ़ने को हम जो बोलते हैं जीडीपी बढ़ा ऐसे ही नहीं बोलते, जीडीपी बढ़ना सच में एक देश के लिए अच्छा साबित होता है। जब जीडीपी बढ़ता है तो यह सारी चीजें हमारे सामने आती है। जब जीडीपी बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, देश में बेरोजगारी कम होती है। जब जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। जब जीडीपी बढ़ता है तो लोग गरीबी से बाहर आते हैं। जब जीडीपी बढ़ता है उनकी अच्छी हेल्थ होती है, उनकी अच्छी एजुकेशन होती है। जब जीडीपी बढ़ता है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। तो जीडीपी का बढ़ना अपने आप में एक इंडिकेटर है देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला इशू यही है कि भाई साहब कहीं ध्यान मत दो, सबसे पहले देश के जीडीपी पर ध्यान दो। अगर आपने देश के जीडीपी पर ध्यान दे लिया आपके देश की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। बताओ ये मेरी बात पल्ले पड़ी? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला इशू क्या है भाई साहब? ये सबसे पहला इशू है लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है लंबे समय के लिए जीडीपी का बढ़ना, कि जीडीपी बढ़े, लंबे समय के लिए जीडीपी बढ़ जाए भाई साहब सारी समस्या से बाहर आ जाएंगे, देश के लोगों की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, क्या लिखा है लाइन बाय लाइन सारा पढ़ेंगे, कुछ स्किप नहीं करेंगे भाई साहब, बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे, टॉप करके दिखाएंगे। ओके ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है भाई साहब जरा पढ़ते हैं एक बार। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज द लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ इनकम। अगर हम बोलते हैं कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, देश की ग्रोथ हो रही है, तो उसका मतलब है देश में लोगों की इनकम बढ़ रही है, अभी हमने पढ़ा। देश में आउटपुट बढ़ रहा है मतलब देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अभी हमने पढ़ा। देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अभी हमने पढ़ा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है देश में लोगों की इनकम का बढ़ना, देश में प्रोडक्शन का बढ़ना, देश में रोजगार का बढ़ना। आगे बोलता है द मेजर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कब मानी जाएगी? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है हम कब बोलेंगे? तो बोलता है जब देश में रियल जीडीपी बढ़ेगा। अब देखो जीडीपी बच्चों दो थे, जीडीपी दो होते हैं, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। इन दोनों में क्या अंतर है आगे आएगा। फिलहाल आप ये समझ लो जब भी हम जीडीपी की बात करें, जब भी हम जीडीपी की बात करें अपन लोग रियल जीडीपी की बात करेंगे। रियल जीडीपी अच्छा होता है नॉमिनल जीडीपी से। तो जब भी मैं जीडीपी बोलूं तो उसे क्या मानना है, कौन सा जीडीपी? रियल जीडीपी। एक और होता है वो पढ़ेंगे आगे, आपका आएगा, टेंशन नहीं लेने का, हौले हौले पढ़ेंगे, मुझे पता है ना पहले क्या पढ़ाना है। तो बोलता है रियल जीडीपी बढ़ेगा तो ये एक अच्छा इंडिकेटर, सॉरी रियल जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ मानी जाएगी। और रियल जीडीपी के साथ साथ पर कैपिटा जीडीपी मतलब पर कैपिटा इनकम, हर एक इंसान की इनकम बढ़ेगी तब भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ मानी जाएगी। तो रियल जीडीपी बढ़े और साथ साथ हर इंसान की इनकम, पर कैपिटा इनकम बोले तो हर इंसान की इनकम बढ़े तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाएगा। आगे बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिजायर्ड। भाई हर कोई चाहता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इट परमिट्स एन इंक्रीज इन इनकम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने से मतलब जीडीपी बढ़ने से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, रिड्यूस पॉवर्टी उनकी गरीबी कम होगी, इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल मैंने करके सामने आएंगे। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है उनकी अच्छी नॉलेज होगी, उनकी अच्छी एजुकेशन होगी, उनकी अच्छी हेल्थ होगी। ऐसा कब होगा? जब जीडीपी बढ़ेगा।
क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भैया लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा ओढ़ेंगे, अच्छा इलाज करवाएंगे, उनका स्टैंडर्ड यहां से बढ़ के यहां पहुंच जाएगा। सिंपल। अब एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर 1870 की बात करें तो भाई साहब जो नॉर्वे है, नॉर्वे जानते हो बहुत बढ़िया देश है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कभी आपने सुना हो? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो ह्यूमन की डेवलपमेंट को मापता है कि एक एक देश के ह्यूमन कितने डेवलप्ड है। एक फॉर्मूला होता है इसका पूरा जो ह्यूमन एक देश के ह्यूमन की डेवलपमेंट को मापता है। नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जो नंबर वन पे आती है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। 190 देशों को कंपेयर करते हैं कि किस देश के ह्यूमन ज्यादा डेवलप है और उन 190 देशों में से नॉर्वे नंबर वन पे आता है हमेशा कि नॉर्वे के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं। एक टाइम था जहां पे नॉर्वे का पर कैपिटा इनकम, भाई साहब नॉर्वे की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम थी एज कंपेयर टू अर्जेंटीना। कॉन्सिटीना अर्जेंटीना, ठीक है कोई लड़की का नाम नहीं है, देश का नाम बच्चों, देश का नाम अर्जेंटीना। लेकिन आज की बात की जाए ना, नॉर्वे की जीडीपी काफी कम थी अर्जेंटीना से। भाई साहब आज की बात कर लो, जो नॉर्वे की जो पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, वो 3 गुना ज्यादा है किससे? अर्जेंटीना से। नॉर्वे नंबर वन पे आ चुका है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, उसकी पर कैपिटा इनकम, उसका जीडीपी भी 3 गुना ज्यादा बन चुका है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे सरकार ने एजुकेशन मुफ्त कर रखी है। नॉर्वे में आप नर्सरी से लेकर पीएचडी कर लो, एजुकेशन के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करना। नॉर्वे में कैसा भी इलाज करवाना हो, हेल्थ के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करना, जिसकी वजह से वहां के लोग फिट रहते हैं बिकॉज पैसे की टेंशन नहीं लेनी। वहां के लोग पढ़े लिखे हैं बिकॉज पैसे की टेंशन नहीं लेनी, जिसकी वजह से वहां के लोग फिट होने की वजह से, पढ़े लिखे होने की वजह से वहां के लोग एक अच्छे लेबर की तरह, एक अच्छे लेबर बनकर सामने आते हैं, एक अच्छे इंसान बनकर सामने आते हैं और उस देश में वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करते हैं बिकॉज इंसान पढ़ा लिखा भी है, प्रॉपर नॉलेज भी है और इंसान प्रॉपर फिट भी है। तो नॉर्वे ऐसे ही नंबर वन पे नहीं है। हम अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया के जीडीपी की बात कर लो, जो इंडिया का जीडीपी है वो भी 1950 से ग्रो हो रहा है, लेकिन उसकी असली ग्रोथ तो 1990s के बाद ही सामने आई। वो कब? जब इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने लागू करी थी। आपको पता है इंडिया जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया था 1991 में, एलपीजी नाम की पॉलिसी। तब से इंडिया की जो जीडीपी जो चार्ट था इंडिया का, मतलब मान लो स्टार्टिंग में इंडिया की जीडीपी ऐसे ऐसे थी और 1990 के बाद उसकी जीडीपी का चार्ट काफी ऊपर गया। समझ में आ गया? तो याद रखना, अगर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, अगर एक देश ग्रोथ नहीं कर पा रहा, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको केवल और केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही सॉल्व किया जा सकता है। जिस देश के पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है भाई साहब, वो अपनी ग्रोथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्लियर लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी का। इट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स हम इसीलिए मेन पढ़ते हैं ताकि हम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को समझ सके, हम अपने देश की ग्रोथ को बढ़ा सके। बताओ आपको पहला इशू मैक्रो इकोनॉमिक्स का, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा बिकॉज मैंने बहुत मन से पढ़ाया है, बहुत ही आराम से पढ़ाया है, ठीक है? अगर आपको उसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। चलिए जी, तो भैया जी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गया, अब एक काम करते हैं, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, दूसरा मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू की दूसरी समस्या। देखो और समस्या बहुत सारी है, अपने को कम पढ़नी है, अभी दूसरी पढ़ते हैं, और भी पढ़नी है। देखो पेपर में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। अब 15 नंबर में केवल 2 प्रॉब्लम लिख के नहीं आओगे ना, ज्यादा लिख के आओगे। तो भाई साहब एक तो पढ़ लिया लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा इशू मैक्रो इकोनॉमिक्स का और पढ़ लेते हैं, बिजनेस साइकिल, या फिर अपन लोग उसको ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। अब ये बिजनेस साइकिल क्या होता है या ट्रेड साइकिल क्या होता है, देखो बच्चों
हमारी जिंदगी, अगर हम अपनी जिंदगी की बात करें तो हमारी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती यार। हमारे जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आता होगा जहाँ पे आप काफ़ी परेशान रहते हो, काफ़ी टेंस रहते हो कि कोई मुझसे बात मत करो, मेरा किससे बात करने का मन नहीं है, मुझे अकेला रहने दो। और एक टाइम ऐसा भी आता होगा जहाँ पे आप काफ़ी हैप्पी रहते हो, काफ़ी इंजॉय करते हो, मूवीज़ देखने जा रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। तो जैसे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ा ऐसे ही एक कंट्री के जीवन में भी, एक देश में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जिस प्रकार आप नाराज़ होकर बैठ जाते हो, आपका दिमाग ख़राब होता है, आप कुछ काम नहीं कर पाते, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया मेरा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार एक देश भी बच्चों कभी कभी डिप्रेशन में चले जाता है, एक देश भी काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आप जो है वापस रिकवरी करते हो, आप इस डिप्रेशन से बाहर आते हो, आप हौले हौले ठीक होते हो और आप एक हैप्पीनेस के ऊंचे चरम पे, एक हैप्पीनेस के काफ़ी बढ़िया लेवल पर पहुंच जाते हो कि भाई साहब अब तो डेली बात हो रही है तो ऐसे देश भी जो है रिकवरी करके काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है। तो जो जिंदगी जो उतार चढ़ाव है, ये अप्स एंड डाउन्स है, जो आपकी लाइफ में है वो अप्स एंड डाउन्स बच्चों देश की लाइफ में भी होते हैं। और इसी अप्स एंड डाउन्स को अपन लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। अब कौन कौन से फेस ये एक देश फेस करता है, कौन कौन से फेस देश फेस करता है, अपन लोग इसको देखते हैं। तो क्या लिखा है, द प्राइसेस एंड आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी मूव्स इन ए सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन। कि एक देश में जो वस्तु के प्राइस है, एक देश में जो कीमत है, जो देश में प्रोडक्शन है, जो देश में एम्प्लॉयमेंट है, जो पॉवर्टी है, वो ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन, अप एंड डाउन होती रहती है। और इस तरह की सिचुएशन को अपन लोग ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल कहते हैं। यहाँ पे चार तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। पहले इन चारों को नॉर्मली समझ लो, फिर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहली सिचुएशन बच्चों ट्रफ या फिर डिप्रेशन की होती है। इस केस में क्या होता है, जब देश में हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, भाई सब बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, लोगों के पास काम बिल्कुल नहीं है, लो डिमांड हो, देश में डिमांड हो ही नहीं है, बिकॉज लोगों के पास काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो लोग डिमांड नहीं कर रहे, जब लोग डिमांड नहीं कर रहे तो कंपनी का माल नहीं बिक रहा, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी काफी कम है। इट मीन्स देख रहे हो भाई बड़े परेशानी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, डिमांड काफी कम है, कंपनी के प्रॉफिट काफी कम हो रहे हैं। तो इस स्थिति को डिप्रेशन बोलते हैं कि देश में भाई सब परेशानी का दौर आ गया। हिंदी में इसको मंदी, क्या बोला बेटा मैंने, बंदी नहीं वो बोल रहा है, बंदी डिप्रेशन है बेटा, बंदी मंदी डिप्रेशन है, मंदी नॉट बंदी। तो मंदी बोलते हैं इसको हिंदी में। और जब ये डिप्रेशन काफी लंबे समय तक रहता है और ये डिप्रेशन बढ़ता ही जाता है कि भाई अब तो भाई डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, देश का डिप्रेशन जब बढ़ता ही जाता है, लिखा है ना, इफ द बॉटम पॉइंट इज एबनॉर्मली डीप, कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाए, तो इस चीज को अपन लोग स्लंप कहते हैं। स्वयं आ गया। तो एक तो ये स्थिति देश फेस करता है, लेकिन वही वाली बात, अगर सूरज ढला है तो उगेगा भी। अगर एक देश डिप्रेशन में आया है तो वापसी भी रिकवर करेगा। अगर हम लोग डिप्रेशन में गए हैं तो हम भी एक टाइम बाद अपने आप को ऑल इज वेल करके ऊपर लेके जाएंगे, तो देश भी ऊपर लेके जाएगा। और इस चीज को अपन लोग कहते हैं रिकवरी। तो रिकवरी वो विशेषता है जहां पर हौले हौले अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हौले हौले देश में लोगों को काम मिल रहा है, हौले हौले इनकम बढ़ रही है, हौले हौले डिमांड बढ़ रही है, हौले हौले कंज्यूमर खर्चा कर रहा है, क्योंकि हौले हौले कंज्यूमर के पास पैसा आ रहा है, हौले हौले हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। तो डिप्रेशन के बाद हौले हौले देश में रिकवरी का दौर भी आता है, और रिकवरी के बाद जब वो रिकवरी काफी ऊपर पहुंच जाती है कि अब तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, अब तो कंपनियां अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है, अब तो देश में अच्छी खासी डिमांड भी हो रही है, तो जब वो रिकवरी काफी अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है तो उस रिकवरी को अपन लोग बोलते हैं पीक या फिर बूम, बूम चिकी चिकी बूम, बूम बोलते हैं उसको, पीक बोलते हैं। पीक इज द टॉप ऑफ बिजनेस साइकिल, कि जब हम साइकिल में
पूरे टॉप पर पहुंच जाते हैं तो उसको पीक कहते हैं, और इस पॉइंट पर देयर आर हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई साहब बढ़िया एम्प्लॉयमेंट है, हाई डिमांड, देश में लोग डिमांड भी काफी कर रहे हैं, भाई मजा आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देश में काफी ज्यादा है, देश अपने मैक्सिमम लेवल पे है, मतलब जितना प्रोडक्शन कर सकता है भाई साहब प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। और जब हमारा जब ये हमारा पीक काफी ऊपर पहुंच जाता है, पीक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पर पहुंच जाता है, जब हमारी रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस पीक को अपन लोग क्या बोलते हैं, बूम। क्या बोलते हैं भाई साहब, बूम कहते हैं। ओके, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो पहले डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन में गए, ओहो ओहो ओहो, डिप्रेशन में जाने के बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी करी, अब हम हौले हौले ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, और रिकवरी के बाद ओ भाई साहब मजा आ गया, मैं एकदम ठीक हो गया। हम कहाँ पहुंच गए, बूम पे। लेकिन वही वाली बात, बूम पर एक बार पहुंचने के बाद दोबारा कुछ समय तक बूम में रहते हैं, फिर वापसी जिंदगी में एक पड़ाव दोबारा ऐसा आता है कि दोबारा परेशान हो जाते हैं कि अभी अभी तो हम खुश थे, कुछ समय के लिए खुश रहे, लेकिन वापसी हौले हौले वही परेशानी का दौर आ गया। तो साइकिल है यार, आप हमेशा खुश या हमेशा दुखी नहीं रह सकते। अभी मैं खुश हूँ, कुछ टाइम बाद मैं दुखी हो जाऊँगा, फिर कुछ टाइम बाद खुश, फिर कुछ टाइम बाद दुखी। ये जीवन का चक्र है मेरे दोस्त, ये चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इससे बाहर आप नहीं आ सकते। आज आप खुश हो तो कल आप दुखी भी रहोगे, ये जीवन का चक्र है मेरे मित्र। समझ में आ गया भाई साहब? तो हम जब बूम पे पहुंच गए, तो बूम के बाद दोबारा हमारे सामने कुछ ऐसी स्थिति आई कि हम रिसेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर डाउनटर्न, इसका अल्टीमेटली मतलब है हम वापसी अब अपने उस लेवल पे आ रहे हैं जहां पे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बोले तो अब हमारा GDP वापसी गिर रहा है, अब हमारी डिमांड वापसी कम हो रही है, अब प्रोडक्शन वापसी कम हो रहा है, अब देश में रोजगार भी कम हो रहा है, देश में प्रॉफिट भी कम हो रहा है। और वही वाली बात, अगर ये समस्या कम डिमांड, कम प्रोडक्शन, कम एम्प्लॉयमेंट लंबे समय तक रही तो इसको हम डिप्रेशन कहेंगे। इट मीन्स क्या, हम वापसी अपने डिप्रेशन मतलब क्या, वापसी फर्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर वापसी, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और इसी को बोलते हैं बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल, ठीक है। थ्योरेटिकली समझ में आ गए एकदम अच्छे से, अब इसको भैया डायग्रामेटिकली भी समझा दो, क्योंकि पेपर में जब डायग्राम बना के आते हैं ना तो अच्छे नंबर मिलते हैं, तो भैया जी डायग्राम भी सिखा दो ना, पेपर में आप चाहते हो ना हम अच्छे नंबर लेके आए, तो ठीक है बेटा अच्छे नंबर लेके आएंगे, और अब हम ट्रेड साइकिल का डायग्राम भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रेड साइकिल के अपन लोग जो है बच्चों डायग्राम को भी सीखते हैं। चलो जरा समझना, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ लिखा बच्चों मान लो मैंने GDP, ठीक है। अब सुनो, जैसे कि GDP दो होते हैं, रियल GDP और नॉमिनल GDP। बेटा रियल और नॉमिनल के अलावा GDP दो और तरह के होते हैं, आपको पढ़ाऊंगा। देखो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम इंट्रो सीख रहे हैं, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता, जो आगे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों एक होता है पोटेंशियल GDP, क्या बोला मैंने, एक होता है बच्चों पोटेंशियल GDP और एक होता है बच्चों एक्चुअल GDP। अब इनका मतलब क्या है सुन लो बेटा, पोटेंशियल GDP का मतलब है कि एक देश के पास कितना प्रोडक्शन करने की पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है। मैंने ये नहीं बोला कितना प्रोडक्शन किया, क्षमता कितनी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं बोलता हूं मेरे पास 10 घंटे पढ़ाने की क्षमता है, कि मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूं, लेकिन मान लो मेरे को नीड ही नहीं है, मैं केवल मेरे को 6 घंटे पढ़ाने होते हैं, उसके बाद मेरे को पढ़ाना होता ही नहीं है। तो जितना मैं कर रहा हूं वो एक्चुअल है, और जितना मैं कर सकता हूं वो पोटेंशियल है। तो एक होता है पोटेंशियल GDP कि देश कितना कर सकता है, और एक होता है एक्चुअल GDP कि देश एक्चुअल में कर कितना रहा है। तो ये जो मैंने ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ करी है, इसको बच्चों मैं कहूंगा पोटेंशियल GDP, मतलब कि एक देश के पास इतनी पोटेंशियल है प्रोडक्शन करने की। और अब देखना, अब जो मैं बच्चों ब्लू वाली लाइन बना रहा हूं, ये इसको मैंने बोला एक्चुअल GDP कि एक देश कितना प्रोडक्शन एक्चुअल में कर रहा है।
तो ये है पोटेंशियल जीडीपी, और जो ब्लू वाली लाइन है इसको मैंने बोला एक्चुअल जीडीपी। अब मेरी बात सुनो, मान लो अभी हम यहाँ पे, अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे। तो देखो हम अपने पोटेंशियल से काफी ऊपर, इट मीन्स क्या, मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं पोटेंशियल से काफी आगे हूँ। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब मैं अभी बिल्कुल पीक पे हूँ, इट मीन्स अभी मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ। इसको बच्चों बोलते हैं बूम, क्योंकि हम काफी अच्छा कर रहे हैं भाई। देखो ना प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, हम इतना प्रोडक्शन कर, हम इतना कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कर रहे हैं। इट मीन देश में प्रोडक्शन काफी बढ़ रहा है, देश में डिमांड काफी बढ़ रही है, देश में अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट है, हम बूम पे हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों पीक या फिर बूम, जब हम बिल्कुल टॉप, जब इसको, ये ट्रेड साइकिल है, जब हम ट्रेड साइकिल के बिल्कुल टॉप पे हो तो उसको बोलते हैं पीक या बूम। लेकिन वही वाली बात, कुछ समय तक हम बूम पे रहेंगे और बूम पे रहने के बाद हम वापसी नीचे गिरना स्टार्ट होगा। हम जो गिर रहे हैं, ये जो गिर रहे हैं, हम यहाँ से गिरे 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 गिरे, और देखो इतना गिर गए हम पोटेंशियल से नीचे पहुंच गए। तो जो मैं गिर रहा हूँ ना, ये जो मैं गिर रहा हूँ, इसको बच्चों बोलते हैं, जो मैं गिर रहा हूँ ऐसे ऐसे, इसको बच्चों बोलते हैं रिसेशन। कि अब देश में समस्या आ रही है, अब हमारा प्रोडक्शन गिर रहा है, अब देश में प्रोडक्शन घट रहा है, अब देश में एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, अब देश में प्रॉफिट घट रहा है, और जब ये घट रहा है इट मींस क्या, इसको बोलते हैं मंदी का दौर, रिसेशन आ गया। कि अब हमारा एक्चुअल जीडीपी घट रहा है, और तो घट के इतना घट गया कि हम बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच गए। कि इतना घट गया भाई, सब पोटेंशियल से भी कम आ गए, जितना कर सकते थे उतना भी नहीं कर रहे, उससे काफी कम आ गए, हमारा जीडीपी बहुत घट गया। बेटा इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रॉफ, या फिर इसको अपन लोग बोलते हैं डिप्रेशन। कि हम कहां पे आ गए, हम बच्चों डिप्रेशन पे आ गए। ये रिसेशन था, रिसेशन को अपन लोग बच्चों कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, या फिर डाउन टर्न भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या फिर डाउन टर्न। और जब रिसेशन काफी हद तक गिर जाए तो उसको नाम क्या पड़ता है, डिप्रेशन या ट्रफ। लेकिन वही वाली बात है, हम लंबे समय तक डिप्रेशन में भी नहीं रहेंगे, हम वहां से वापसी निकलेंगे, हम डिप्रेशन से बाहर आएंगे, एक देश डिप्रेशन से बाहर आएगा और वापसी देश उठेगा और वापसी अपने जीडीपी को हौले हौले बढ़ाएगा। इट मीन्स क्या, अब देश क्या कर रहा है, अब देश रिकवरी कर रहा है। तो इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा रिकवरी, कि देश वापसी आगे बढ़ेगा, अपने जीडीपी को बढ़ाएगा, देश रिकवरी करेगा, और वापसी देश रिकवरी करके अपने टॉप पर पहुंच जाएगा कि जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। इट मीन्स क्या, वापसी देश अपने पीक पर, वापसी देश जो है बूम पर पहुंच जाएगा। समय में आ गया, वापसी देश अपने बूम पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार की ये ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल चलती है, कि पहले बूम पे होते हैं, फिर हम गिरते हैं, गिरते वाले दौर को बोलते हैं रिसेशन, और जब बहुत गिर जाते हैं तो डिप्रेशन, लेकिन वापसी रिकवरी करते हैं, रिकवरी को अपन लोग एक्सपेंशन भी कहते हैं। कि वापसी रिकवरी करते हैं, वापसी हम एक्सपेंड होते हैं, और वापसी एक्सपेंड होकर बूम पर पहुंचते हैं, फिर वही बूम से नीचे गिरेंगे, रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम, ये ट्रेड साइकिल चलती रहती है। अगर हम अपने पोटेंशियल से ऊपर है, इट मीन्स बूम पीरियड, और पोटेंशियल से नीचे, इट मीन्स डिप्रेशन। तो अल्टीमेटली चार फेज होते हैं, एक तो बूम होता है, ठीक है, एक आप बच्चों क्या होता है, बूम होता है, एक रिसेशन, एक डिप्रेशन, एक रिकवरी। फिर वापसी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, इसी को बच्चों बोलते हैं बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। और अगर इस ट्रेड साइकिल से एक देश को बचना है, अगर एक देश चाहता है कि भाई हम इतनी लंबी ट्रेड साइकिल में ना फंसे, तो उस देश को मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? सर डायग्राम आपने बनाया था क्या? अगर नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट खींच लो, डायग्राम को आप लोग बना लो, ठीक है। तो यही डायग्राम पे यहां पे बना हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है कि वो जीडीपी जब देश अपने सभी रिसोर्स को लगा दे, फुल्ली एम्प्लॉयड, कि देश में सभी रिसोर्स काम करेंगे, कोई भी देश में खाली नहीं बैठेगा, और हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। आगे बोलता है, कंट्रोलिंग दीज फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल इज अनदर इंपॉर्टेंट टास्क
ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक काम ये भी है कि इस फेस को कंट्रोल करना, अपने देश को इन फेसेस से बचाना, अपने देश को ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ने ना देना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं ताकि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्राप्त कर सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, ना तो वो बिल्कुल गिर जाए ना तो बिल्कुल बढ़ जाए। अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमको जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और वही वाली बात, अपने देश की ग्रोथ के लिए भी अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर देश की ग्रोथ चाहते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, देश को बिजनेस साइकिल से निकालना चाहते हो तब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो। आगे और भी हमको प्रॉब्लम इश्यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, और भी बातें हैं जिसको अपन लोग बच्चों करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर। होपफुली मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, होपफुली मैक्रो इकोनॉमिक्स अब आपको समझ में आना स्टार्ट हो रही होगी और समझ में आना स्टार्ट हो भी जाएगी जल्दी ही, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे। और मुझे जरूर मेरे चैनल पे आने के बाद जरूर मेरे को व्हाट्सएप भी कीजिए अपना नाम अपना कॉलेज, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूँ और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपका रिस्पॉन्स भी जल्दी कर सकूँ। और कोई भी टॉपिक आपको एक्स्ट्रा समझना हो जो मैं ना करवाऊँ वो मुझे बता देना, मैं आपके देखते हुए उस टॉपिक को मैं करवा दूंगा, ठीक है। अपना नाम अपना कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को आगे कवर करते हुए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।